हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में भारत ने अपने कई सारे पड़ोसी देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स को गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया था, जिसमें मालदीव्स का भी नाम था। मालदीव्स के नाम के ऊपर तो खैर हमारी पिछली वीडियो में भी कई सारे लोगों ने कमेंट करके कहा था कि भारत सरकार को मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू को इनवाइट नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि स्ट्रेटेजिक रीजंस के कारण भारत सरकार की भी कुछ मजबूरियां होती हैं, जिसकी वजह से हम मालदीव्स को हाथ से निकलने बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। फिर चाहे मालदीव्स की सरकार को थोड़ा सा सर के ऊपर ही क्यों ना बिठाना पड़े। खबर आ रही है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू जो शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत आए थे, वो अकेले नहीं आए थे, बल्कि वो अपने साथ कैबिनेट लेवल का एक बड़ा डेलीगेशन लेकर आए हैं। मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर, मालदीव्स के इकोनॉमिक एंड ट्रेड मिनिस्टर मोहम्मद सईद, उसके साथ फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर अहमद शफीक और एक पूरा डेलीगेशन वो अपने साथ भारत लाए हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मालदीव्स की तरफ से भारत सरकार और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ एक बायलैटरल मीटिंग की रिक्वेस्ट की गई है। पिछले कल देर शाम को तो खैर डिनर था, इसलिए हो सकता है कि ये मीटिंग आज हो जाए। अभी तक क्या होता था कि मालदीव्स में जब भी वहां पर कोई नया प्रेसिडेंट बनता था तो सबसे पहली हाजिरी लगाने के लिए न्यू दिल्ली आता था और भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ यहाँ पर बायलैटरल मीटिंग करता था, यानी मालदीव्स के प्रेसिडेंट की हमेशा से ही पहली फॉरेन विजिट इंडिया की होती थी। लेकिन मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने अपनी पहली फॉरेन विजिट टर्की और फिर उसके बाद यूएई की और सेकंड विजिट के ऊपर वो चाइना गया और अब थर्ड विजिट के ऊपर वो भारत आ रहे हैं एंड चाहते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह के बहाने बायलैटरल मीटिंग करके मालदीव्स का लोन माफ करवाना, नेशनल करेंसी में ट्रेड करना और कुछ इस तरह के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उसके ऊपर भी भारत सरकार के साथ फैसले कर लिए जाएं, ताकि मालदीव्स के प्रेसिडेंट को दोबारा से भारत की स्टैंड अलोन विजिट न करनी पड़े। अब देखना ही होगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मालदीव्स के प्रेसिडेंट के लिए समय निकाल पाते हैं, क्या ये मालदीव्स की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है या फिर नहीं। अभी तो राष्ट्रपति भवन द्वारा एक ऑफिशियल लिस्ट भी जारी की जानी है, जिसमें पता चलेगा कि देश का नया फाइनेंस मिनिस्टर, नया ट्रेड मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स कौन कौन है। पिछले कल शपथ ग्रहण समारोह के लिए कई सारे देशों के हेड भारत आए हैं। देखना होगा कि भारत की सरकार और पीएम किस किस के साथ बायलैटरल मीटिंग्स करते हैं। आज की सेकंड अपडेट ब्रिक्स और भारत को लेकर आ रही है। दरअसल आज यानी कि 10 जून और कल 11 जून को रशिया में ब्रिक्स संगठन के देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग है, लेकिन भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर सर इस मीटिंग के ऊपर जाएंगे या फिर नहीं, भारत सरकार की तरफ से अभी तक ये घोषणा नहीं हुई है। एक खबर ये भी आ रही है कि टर्की के फॉरेन मिनिस्टर को भी ब्रिक्स देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए रशिया द्वारा इन्वाइट किया गया है। टर्की चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी ब्रिक्स संगठन का हिस्सा बने, इसलिए उसने अपनी कोशिशें काफी तेज कर ली हैं और उसके फॉरेन मिनिस्टर फिदान इसी की चर्चा करने के लिए रशिया गए हैं, जहां पर वो ब्रिक्स देशों के बाकी विदेश मंत्रियों के साथ भी मीटिंग करेंगे। आज की थर्ड अपडेट की बात करें तो वो निकल कर आ रही है भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों को लेकर। कई बार जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं कि भारत का एक व्यक्ति बिलियनर बन गया है, तो उस समय हमें समझ नहीं आता है कि $1 बिलियन आखिरकार कितने पैसे होते हैं। वैसे लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि $1 बिलियन की नेटवर्थ का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की टोटल नेटवर्थ 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा होना, और नेटवर्थ का मतलब होता है कि अगर हम लोन के अमाउंट, डेप्ट अमाउंट और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जैसी सारी लाइबिलिटीज को निकाल दें तो किसी भी व्यक्ति के पास जो बाकी के एसेट्स बचते हैं, उसकी प्रॉपर्टी, कैश, इन्वेस्टमेंट, इन सब की जो टोटल वैल्यू बनती है उसको नेटवर्थ कहा जाता है। दरअसल भारत के बिलियनर्स को लेकर एक डेटा सामने आया है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले ये नेटवर्थ का मतलब समझा देता हूँ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आज से ठीक 10 साल पहले 2014 में भारत में टोटल 56 ऐसे व्यक्ति थे जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा थी, लेकिन अब इस साल 2024 में आते आते भारत में $1 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ वाले लोगों की संख्या 212 हो गई है। भारत के 212 लोगों के पास 8,300 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स हैं। अगर हम इस साल के भारत के सभी बिलियनर्स के एसेट्स को एक साथ जोड़ दें तो इन सारे व्यक्तियों की टोटल नेटवर्थ $900 बिलियन से भी ज्यादा बनती है। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। दरअसल भारत में बढ़ती पावर डिमांड के चलते हमारी सरकार को कोल बेस्ड कई सारे थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड होना पड़ता है। हमारी ऑलमोस्ट 55% एनर्जी कोल से जनरेट होती है एंड इतनी ह्यूज डिमांड के चलते सरकार को 30 से 40 बिलियन डॉलर्स हर साल अकेले कोल को इंपोर्ट करने के ऊपर खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार को कई बिलियन डॉलर्स की बचत होने वाली है। दरअसल खबर आ रही है कि रशिया ने भारत को प्रपोज किया है कि हम उनके साथ कोल को लेकर भी एक लॉन्ग टर्म डील साइन करें और रशिया हमको क्रूड ऑयल की तरह कोल के ऊपर भी काफी ह्यूज डिस्काउंट देगा। आज की डेट में रशिया का कोल यूरोप के देश परचेज ही नहीं कर रहे, इसलिए रशिया चाहता है कि भारत रशिया से कोल भी परचेज करे और उनको बल्क ऑर्डर्स दे। दरअसल भारत जो कोल इंपोर्ट करता है उसका अराउंड 80% हम अकेले इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इन्हीं तीन देशों से परचेज करते हैं, जबकि रशिया की बात करें तो हम रशिया से केवल 4-5% के करीबी कोल इंपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत ही लो है। आपको याद होगा कुछ साल पहले सेम स्टोरी भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर भी थी।
स्टार्टिंग में हम रशिया से केवल अपना 1% क्रूड ऑयल परचेज किया करते थे, लेकिन यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद रशिया ने भारत को अपने क्रूड ऑयल के ऊपर हैवी डिस्काउंट्स दिए, जिसके बाद आज के डेट में हमारा 45% क्रूड ऑयल अकेले रशिया से ही आ रहा है। रशिया रिक्वेस्ट कर रहा है कि भारत सरकार यही स्ट्रेटेजी कोल के मामले में भी रिपीट करे और रशिया से ह्यूज क्वांटिटी में कोल परचेज करे, जिसके लिए वो भारत को एक सब्सटेंशियल डिस्काउंट देने के लिए भी रेडी है। रशिया का कहना है कि वो इस कोल को रेलवे की मदद से ईरान के चाबहार पोर्ट तक पहुंचाने का भी ऑफर दे रहा है। देखना ही होगा कि क्या भारत सरकार इसमें कोई इंटरेस्ट दिखाती है या फिर नहीं। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है भारत के जम्मू कश्मीर से। खबर आ रही है कि पिछले कल एक बस कटरा से यात्रियों को लेकर शिवखोड़ी के दर्शन के लिए जा रही थी, जिस दौरान रास्ते में उसके ऊपर आतंकियों ने हमला कर दिया था और बस ड्राइवर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और ढलान वाली तरफ जा गिरी। इसके साथ ही खबर आ रही है कि कई सारे यात्रियों को आतंकियों के फायर के कारण बुलेट इंजरीज भी आई हैं। करीब 10 लोगों की जान चली गई है जबकि 33 घायल बताए जा रहे हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकियों का पता नहीं चला है एंड अगर देखा जाए तो ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत ही बड़ा फेलियर है। ऐसे समय के ऊपर ही हमला होना, जब प्रधानमंत्री मोदी न्यू दिल्ली में शपथ ले रहे थे, ये दिखाता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की ये कितनी बड़ी नाकामी है। आई होप कि ये सारे आतंकी जल्दी से पकड़े जाएं, क्योंकि जहां पर ये हमला हुआ है वो कटरा से काफी पास है और यहां पर यात्रियों को लेकर हजारों बसेस क्रॉस होती हैं। आज की 6th अपडेट आ रही है यूक्रेन और भारत को लेकर। दरअसल यूक्रेन के एम्बेसडर अलेक्जेंडर पोलिशुक ने एक स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में शांति को लेकर जो स्विट्जरलैंड में स्विस पीस समिट ऑन यूक्रेन होने जा रहा है, वहां पर पीस बिल्डिंग प्रोसेस के लिए हमें भारत के लीडरशिप की सख्त जरूरत है। भारत अगर उसमें शामिल होता है तो इससे दुनिया के बाकी डिप्लोमेटिक फोर्सेस को इकट्ठा करने में काफी समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमें यूक्रेन का एक पीसफुल यानी शांतिपूर्ण सॉल्यूशन चाहिए। अब देखा जाए तो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है आज की डेट में रशिया के साथ, लेकिन यूक्रेन ने इस पीस समिट में रशिया को इन्वाइट नहीं किया है और रशिया के अलावा दुनिया के एक एक देश से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप इस समिट को ज्वाइन करें और समिट में हिस्सा लें। अभी यूक्रेन की सरकार पिछले कुछ ही दिन से भारत के ऊपर ज्यादा जोर दे रही है और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद ही फोन कॉल करके प्रधानमंत्री मोदी को इस स्विट्जरलैंड वाले समिट के लिए भी इन्वाइट किया था। चाइना ने तो खैर इस समिट में आने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इस पीस समिट में क्योंकि रशिया को इनवाइट नहीं किया गया है तो उनको लगता है कि बाकी देश खुद मिलकर कोई समाधान नहीं निकाल पाएंगे। वॉर रशिया के साथ चल रहा है इसलिए रशिया को इनवाइट करना बनता था, इसलिए वो भी नहीं आएंगे। अब देखना ही होगा कि भारत की तरफ से क्या रिप्रेजेंटेशन रहती है और भारत किसको भेजता है। आज की 7th अपडेट आ रही है सऊदी अरब से और ये कट्टरपंथी ताकतों के लिए काफी बुरी न्यूज है। दरअसल पिछले कुछ समय से क्या हो रहा था कि दुनिया के अलग अलग देशों से जो भी मुस्लिम्स हज करने के लिए सऊदी अरब आ रहे थे, वो वहां पर हज के दौरान फलस्तीन और हमास के समर्थन में और इसराइल के खिलाफ काफी नारेबाजी करते थे, स्लोगन्स में ज्यूज और इसराइल के बारे में गालियां बकते थे और इनकी बर्बादी के नारे लगाते थे। अब इसी को लेकर द सऊदी मिनिस्टर ऑफ हज ने मक्का में हज करने के लिए आने वाले सभी लोगों के लिए किसी भी तरह के पॉलिटिकल स्लोगन्स के ऊपर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि मक्का में हज करने के लिए लोग इबादत और पूजा करने के लिए आते हैं, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल स्लोगन्स के लिए नहीं। इसलिए वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि हज में लोग हाईएस्ट लेवल की डिवोशन और स्पिरिचुअलिटी का एहसास करें। इसलिए उन्होंने हज करने के लिए आने वाले लोगों के लिए किसी भी तरह के राजनीतिक और सांप्रदायिक नारों के ऊपर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला किया है। इन शॉर्ट सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि हज करने के लिए आए तो हज करो, फलस्तीन या इसराइल के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। सऊदी अरब की सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उनके देश में कट्टरपंथी ताकतों के ऊपर लगाम लगे और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे साउथ एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन कन्वर्टेड मुस्लिम्स की है, यहाँ पर कट्टरपंथी ताकतें और मजबूत हो रही हैं। आज की 8th अपडेट आ रही है भारत की जीएसटी कलेक्शन को लेकर। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने मई में भारत सरकार की 1,73,000 करोड़ रुपए की जीएसटी कलेक्शन हुई है, यानी डॉलर्स में कैलकुलेट करें तो मई महीने में $20.8 बिलियन की जीएसटी कलेक्शन भारत सरकार को मिली है। ये वाकई में बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। आज की 9th अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। दरअसल पिछले कल चाइना के भारत में एम्बेसडर ने प्रधानमंत्री मोदी को तीसरे टर्म के लिए बधाई संदेश दिया है, रिजल्ट आने के 5 दिनों के बाद और शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन, जबकि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश नहीं दिया है। इवन टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान, इन सब देशों ने भी बधाई नहीं दी है। अभी जो 13 जून से इटली में G7 समिट होना है, वहां पर भारत के साथ साथ इटली ने टर्की को भी इनवाइट किया है, जिसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान के साथ भी मीटिंग करेंगे। अब देखना ही होगा कि वहां से क्या निकल कर आता है। आज की 10th अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। खबर आ रही है कि पिछले कल पाकिस्तान की खैबर पख्तूनवा प्रोविंस में वहां पर एक आईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 7 सिक्योरिटी पर्सनल की जान चली गई है। इस पूरे रीजन में टीटीपी काफी एक्टिव है और माना जा रहा है कि उन्होंने ये एक्सप्लोजिव्स आर्मी की कॉन्वॉय को अटैक करने के लिए रोड के ऊपर प्लांट किए थे। जो गड्ढा इन्होंने अफगानिस्तान के मासूम लोगों के लिए खोदा था, अब ये उसी गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।